lemon rice recipe. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेमन राइस बनाने वाली हूँ और उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। लेमन राइस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप उबला हुआ राइस, कुछ काजू लिए हैं, कुछ मूंगफली, कुछ कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च लिए जिसे बीच में से कट करके लिए है, 2 टीस्पून मैंने लिया है लेमन जूस, नींबू का रस, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया है, कुछ धनिया पत्ता लिया है बारीक कटा हुआ, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है राय, 1/2 टीस्पून मैंने लिया उड़द दाल, 1/4 टीस्पून मैंने लिया जीरा, 1/2 टीस्पून मैंने लिया हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं लेमन राइस। फ्रेंड्स, मैंने गैस लो फ्लेम में रखा है और कढ़ाई में तेल ले लिया है जो अभी गर्म हो चुका है। उसमें डालूंगी राय, जीरा, उड़द दाल और ये अभी थोड़ा सा हिला दूंगी, थोड़ा सा भून लेना है इसे आपको करीबन 1/2 से 1 मिनट। अब मैं इसमें डालूंगी करी पत्ता और 2 हरी मिर्च, इसे भी थोड़ा सा भून लूंगी। अब इसमें डालना है काजू और मूंगफली और इसे भी भून लेना है। मूंगफली का कलर हल्का सा ब्राउन होने तक आप थोड़ा सा भून लीजिए। मूंगफली का अभी कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे भी हल्का सा भून लूंगी। अब इसमें डालूंगी हल्दी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार, ये भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें ये उबला हुआ जो चावल है वो डाल दूंगी। अभी अच्छी तरह से ये सब कुछ मिक्स कर लो। चावल में सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी नींबू का रस और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। नींबू का रस अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में आपको इस कढ़ाई को ढक देना है और करीबन 1 से 2 मिनट चावल को इसमें पकने देना है। अब 1 मिनट हो गया है, मैं कढ़ाई का लिड खोल दूंगी और चावल को थोड़ा सा हिला दूंगी। फ्रेंड्स, अभी हमारा ये लेमन राइस खाने के लिए तैयार है। अभी गैस बंद कर दीजिए और इसे सर्व कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये गर्मा गर्म लेमन राइस को सर्व किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन होता है उसे क्लिक कीजिए। बाय फ्रेंड्स।